Hello everybody, how are you? I hope you are doing well. So in this video lecture, we are going to understand water as a solvent, okay? In the previous video lecture, we have understood that structure of water, composition of water. In that video lecture, we have understood that the concept of electronegativity, that how oxygen atoms attracts the electron pair and it becomes a polar and attracts many other type of or dissolves many type of solvents, solutes, okay? So in this video lecture we are going to understand polar nature of water and extensive hydrogen bonding ability. Extensive hydrogen bonding ability is also known as hydrogen bonding, just okay. Polar nature of water, that how it forms and how it affects other molecules and how it behaves. So we are going to understand this thing, okay. So polar nature of water kya hoti hai, theek hai? तो मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर वाटर का स्ट्रक्चर समझाया था, H2O, ठीक है, H2O का जो है समझाया था. तो यहाँ पर अगर मैं लेता चलूँ आपको, ये हमारे पास होता है H2O का मालिक्यूल. तो यहाँ पर बीच में जो लाल वाला है वो है हमारे पास क्या है, रेड कलर का जो है वो है ऑक्सीजन, साइड में हाइड्रोजन, ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर को अट्रैक्ट करने की क्षमता या ताकत, ठीक है. तो ऑक्सीजन जो है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद होता है हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी उसके बाद होता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आता है नाइट्रोजन, ओके. तो ऑक्सीजन की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को, क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, खींचाता नहीं करता है हाइड्रोजन से ज़्यादा. तो जब इन दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ऑक्सीजन जब के ज़्यादा पावरफुल होता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है. तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है वो हाइड्रोजन से दूर जा रहा होता है. अगर ये यहाँ पर यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से दूर हो जाता है. तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है. क्यों, यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन वही है, चेंज नहीं हो रही, बट नेगेटिव चार्ज दूर हो रहा है, यहाँ से भी दूर हो रहा है, तो पॉजिटिव आ गया. बट यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन, इसकी डेंसिटी बढ़ी है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की, तो यहाँ पर नेगेटिव हल्का चार्ज अपेयर होगा. बट ये पार्शियली होता है चार्ज, यानी हल्का फुल्का होता है, क्योंकि वो दोनों मालिक्यूल तो जुड़े हुए हैं, बट स्लाइडली चार्ज वहाँ पर अट्रैक्ट होता है. तो इसी की वजह से वाटर के अंदर पोलर नेचर होती है. क्यों, वाटर चीज़ों को डिजोल्व कर पाता है, आयंस को, चार्जेस को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, ठीक है, इजीली मालिक्यूल्स को, चार्ज मालिक्यूल्स को क्या हमारे पास क्या डिजोल्व कर लेता है, आयंस को, मॉलिक्यूलर आयंस को. तो पोलर नेचर ऑफ वाटर में बेसिकली यही है कि हमारे पास स्लाइड पार्शियली नेगेटिव होता है, पार्शियली पॉजिटिव. तो कोई भी चीज़ अगर हम डालते हैं इसके अंदर, फॉर सपोज NaCl हमने डाला पानी के अंदर, H2O के अंदर हमने NaCl का मालिक्यूल डाला, ठीक है, क्रिस्टलाइन, तो ये पानी है, तो यहाँ पर बीच में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो Na का प्लस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये हमारे पास क्या एनिक यहाँ पर बॉन्ड है. तो वाटर का क्या होगा, वाटर रोटेट करेगा, वाटर अपने मॉलिक्यूल को रोटेट करेगा कि ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन यहाँ पर जो होगा Na प्लस की तरफ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, स्लाइडली नेगेटिव होगा, एक और आएगा यहाँ पर पहुँचेगा, तो मतलब ये इसको जकड़ लेंगे और खींचकर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ लेंगे, ठीक है. फिर क्या होगा, H2O का जो मालिक्यूल होगा, H2O का, वो क्या करेगा, H है OH, ये H एक हमारे पास क्या Cl को, ठीक है, अपनी तरफ कब्जे में लेगा, दूसरा H भी इसको कब्जे में लेगा, अब क्या तीसरा भी लेगा इसको, चार हाइड्रोजन, वाटर के चार हाइड्रोजन मालिक्यूल्स एक क्लोरीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो NaCl का टूटेगा, फिर हमारे पास क्या होगा, कि अगर Na प्लस है, फॉर सपोज Cl को छोड़ो, Na प्लस है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन की स्लाइडली नेगेटिव चार्ज है और Na प्लस है यहाँ पर, तो प्लस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या, Na क्या हमारे पास सोडियम के एक आयन को जकड़ लेंगे, को जकड़ कर कब्जे में ले लेंगे, यानी हथकड़ी इन्होंने पहना दी, इसने क्या हथकड़ी पहना दी, अब ये काबू हो गया Na का मालिक्यूल, सोडियम काबू हो गया, अब ये कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है. तो इसी हिसाब से हमारे पास, हम जब भी पानी के अंदर क्या साल्ट डालते हैं, तो ये हमारे पास क्या डिजोल्व हो जाता है, ठीक है. दो चीज़ें होती हैं, एक होती है खींचातानी और दूसरी होती है मारामारी. तो जबकि हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड इतना ताकतवर बॉन्ड नहीं होता, तो क्या मारामारी के अंदर ये हल्का फुल्का, ये कमज़ोर सा बंदा, एक समझ लो एक पतला बंदा, यानी 50 किलो का बंदा जाके 150 किलो के बंदे से टकराएगा, 50 किलो का बंदा उसका क्या उखाड़ लेगा,
उसका कद इतना बड़ा, 10 फट का कद बंदे का और 40 इंच वेकरी जो है चौड़ी कमर उसकी, और बॉडी बिल्डर वो 50 किलो का 40 किलो का बंदा उसका क्या उखाड़ेगा, ठीक है ना। तो यही सीन होता है कि ये H2O गरीब मालिक्यूल यहाँ पर, इस बेचारा पिनड़ा मालिक्यूल ये जाके पिनड़ा उसके पास जाएगा इतने आयोनिक प्लस एंड नेगेटिव के पास, क्या होगा इसका हशर? तो मारा मारी से इसका कुछ नहीं होगा, मारा मारी क्योंकि वाटर के मालिक्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, ठीक है। वो Na प्लस के साथ इस साल के साथ टकराएंगे बट इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर खेचातानी की अगर बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करें, हाँ फिर ये 4 से 5 एक ग्रुप बनाएंगे और फिर इसको खींचेंगे तो कसम से बड़ा गरक हो जाएगा Na प्लस एंड Cl का, वो टूट जाएंगे मालिक्यूल्स, ठीक है। आपने सुना होगा अगर हम शुगर के मालिक्यूल्स, हम जो है पानी के अंदर हीट बढ़ाते हैं, पानी का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो इजीली शुगर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छी खासी नमक को, ज़्यादा नमक डालेंगे तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, शुगर को भी कर लेगा। क्यों? जब आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो मतलब आपने उसकी मोशन बढ़ा दी मॉलिक्यूल्स की, पानी के मॉलिक्यूल्स की मोशन और स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा तो ये मारा मारी से कुछ ना कुछ बेड़ा गरक कर सकते हैं इसका मालिक्यूल का, ठीक है ना। स्पीड बढ़ गई तो इसका जो मोमेंटम होगा बढ़ेगा तो ठार ठार टकराएंगे तो मतलब NaCl टूट सकता है, ठीक है। बट हमारे पास जो जनरल मैं आपको बात बता रहा हूँ वो उस कॉन्सेप्ट को आप समझो, ठीक है। ये होती है पोलर नेचर ऑफ वाटर। फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ये ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं, एक सिंपल टर्म है। H2O का जो मालिक्यूल है ये क्या करता है, हमारे पास HO साफ पेज ले लूँ, ठीक है। ये एक H2O का हमारे पास क्या है, मालिक्यूल है। तो यहाँ पर स्लाइडली पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये H दूसरे ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। स्लाइड नेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ये H दूसरे ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा अपने पास, ठीक है। स्लाइड नेगेटिव, ठीक है, ये ऑक्सीजन किसी, ये किसी और के साथ H के साथ अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक एबिलिटी होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है कि हमारे पास वाटर का मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल स्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करा होता है तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, मेरे से नहीं बन रहा ड्राइंग के थ्रू लेकिन बुक में इसकी इमेज बनी हुई गेरा। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बुक में भी नाम लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। परफेक्ट टेट्राहेड्रोनिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है आइस के अंदर, ठीक है। अब देखो ये बीच में हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मालिक्यूल हाइड्रोजन का, तो ये क्या होगा, बीच में जो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर आपको फॉर्म हो रहा है कुछ इस टाइप का, देखें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। यहाँ ऐसे गया, ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रल, ठीक है, इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। तो ये ऐसे खुलेगा, ऐसे ऐसे सॉरी ऐसे ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है आपको आइस के अंदर परफेक्ट मिलता है, परफेक्ट ये जो स्ट्रक्चर होता है तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी देखो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन जो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से, ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यानी अट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है, इसलिए पानी को अट्रैक्ट करके रखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन, तो उसको कहते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।